सेफ्टी आपकी है, हेलमेट पहनेंगे तो सेफ रहेंगे। जो हादसा सेफ सिटी की वीडियोज़ हम दिखाते हैं या सेंड करते हैं मीडिया पे, वो सारे मामला आपकी नज़र के सामने से ही है। जो हेलमेट ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार यूज़ करते हैं वो कानों तक होता है और आगे से ओपन होता है, वो हेलमेट ले लें आप, उसमें तो सांस भी नहीं मतलब घुटता बंदे का। इस चीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं? मैं ऑलरेडी डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ, नींद की है उसमें डिप्रेशन है, मुझे सांस खेंचा खेंचा सा आता है, डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ। माइनर सा जुर्माना इनको कर देते हैं तो वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार है जनाब। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर का लिखा हुआ या कोई अपना मेडिसिन मुझे दिखा दे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब हेलमेट पहनेंगे? जी जी सर पहन लूँगा। कैसे पहनेंगे? अब वो सर ने बताया है कि हेलमेट दूसरा भी है जिसके लिए वो सांस का मसला ओपन है। सख्ती है, हेलमेट पहने, सेफ्टी आपकी है, हेलमेट पहनेंगे तो सेफ रहेंगे। कंपेन हमारी देखें, उसमें हम मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको इशू करते हैं, जो हादसा सेफ सिटी की वीडियोज़ हम दिखाते हैं या सेंड करते हैं मीडिया पे, वो सारे मामला आपकी नज़र के सामने से ही होते हैं गुजरते हैं जनाब। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? शुक्र है लगा ठीक ठाक। खैरियत से? खुश हैं शुक्र है लगा ठीक ठाक जनाब जी। मैंने पास ही काम जाना था, मैंने लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहना हुआ। मैं मेडिसिन खाता हूँ सांस की, मुझे वो प्रॉब्लम है सांस की मेडिसिन खाता हूँ। सांस प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसके लिए जो सेफ्टी हेलमेट हम यूज़ करते हैं ना ट्रैफिक वाले, बेहतरीन हेलमेट है वो। क्या चलान मेडिसिन के हवाले से? नहीं मेडिसिन तो है ही यार, मेडिसिन तो आप खा रहे हैं। जो हेलमेट ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार यूज़ करते हैं वो कानों तक होता है और आगे से ओपन होता है, वो हेलमेट ले लें आप, उसमें तो सांस भी नहीं मतलब घुटता बंदे का। सेफ्टी भी हो जाएगी, ठीक है, सांस भी खुल के आएगा, ले लेंगे, ठीक हो गया। ऐसे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो सांस आपको पता फिर वो परमानेंट बंद हो सकती है। चले ये आईडी कार्ड ले। क्या डॉक्टर का नुस्खा आपके पास? चलिए मैं किस चीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं जनाब? मैं ऑलरेडी डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ, नींद की है उसमें डिप्रेशन है, मुझे सांस खेंचा खेंचा सा आता है, डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ। क्या क्या मतलब वो आपका जी डिप्रेशन क्यों हो गया जनाब इसी उम्र में? अभी तो अभी उम्र कुछ नहीं आपकी, क्या उम्र है जनाब इनकी? क्या उम्र है? 36 साल। तो आपकी कुछ भी उम्र नहीं है। बस हो गया ना, अचानक सा हो गया मेरे साथ हादसा, ऐसे ही मैं सैल कट कर आया हूँ तो ठीक था, मैदे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई तो अचानक से मेरे डिप्रेशन का शिकार हो गया। ऑलरेडी मैं डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया। हाँ 1.5 साल हो। सैर करने गए थे? सैर करने गया था, सहरा में पहाड़ों पर गया था। तो ऐसा कुछ खाया आपने वहाँ पे? कुछ भी नहीं खाया, मैदा जाने से पहले ही मेरा डिस्टर्ब था। अच्छा। तो बस वहाँ जाकर बदप्रेजी की तो कुछ ज़्यादा मामला ख़राब हो गए उसकी वजह। मेरे भाई क्या करते हैं? जी मैं सर कपड़े का काम करता हूँ। जी चलें थैंक यू। अभी ये रिक्वेस्ट करते हैं अभी शहजाद साहब को, इनको वार्निंग माइनर सा जुर्माना इनको कर देते हैं तो वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार है जनाब। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर का लिखा हुआ या कोई अपना मेडिसिन मुझे दिखा दे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। किस्ती है यहाँ पर, ये रोटी प्लांट की तरफ है डॉक्टर सानू लाख चिश्ती, जो एक क्यू खान हॉस्पिटल है जनाब। बड़े प्यारे भाई हैं, पहले डिप्रेशन 1.5 साल से उसका शिकार है। चलना ही नहीं, उनसे वादा ले लें कि आप जो है ना हेलमेट पहन के चले। अब हेलमेट पहनेंगे? जी जी सर पहन लूँगा। कैसे पहनेंगे? अब वो सर ने बताया है कि हेलमेट दूसरा भी है जिसके लिए वो सांस का मसला ओपन है। ठीक है सर। तो नाम भी बड़ा प्यारा सुहेल। जी जी सुहेल साहब फिक्र करें अपनी। ठीक हो गया सर, ठीक है। अपनी फिक्र करें जनाब, बच्चे भी हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं सर। बेटियों की फिक्र करें, उन्हें आपकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, इनकी तो अल्लाह ताला ने देनी है लेकिन खुद भी तो हिफाजत करनी है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। बाकियों को भी मैसेज दे दें जो ये नहीं पहनते हेलमेट। ठीक है सर, ठीक है।
थैंक यू, बहुत प्यारे इंसान हैं आप। ठीक है सर, हाफिज। हमारा मकसद आगाही फराहम करना है, पब्लिक अवेयरनेस के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, खुदा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें, कवानीन की पाबंदी करें, पासदारी करें। इसमें मेरा और आपका मुल्क, मेरे और आपकी जानों की बेहतरी है, इसी में है। ये जवान जो सड़कों पर, शाहराहों पर हुकूमत तैनात इन्हें करती है, मकसद आप जुर्माने करना नहीं होता, मकसद ये होता है कानून की अमलदारी करवाना। इसके लिए ये सुबह शाम, गर्मी सर्दी धूप बारिश यहीं मौजूद होते हैं, ये हमारे लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जोहेब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।